स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं आरके अलर्ट टोटिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो ग्राम सेवक भर्ती आंसर की और सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, आपकी जो ग्राम सेवक भर्ती आंसर की और सिलेबस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी ग्राम सेवक भर्ती की आंसर की और आपकी जो सिलेबस है वो कब तक जारी किया जाने वाला है, और इसके साथ ही जो मेन एग्जाम है वो कब तक आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी आरएसएमएसएसबी कार्यालय पटवारी भर्ती रिजल्ट को लेकर और आपकी जो ग्राम सेवक भर्ती आंसर की और सिलेबस को लेकर कुछ स्टूडेंट जो आपके आरएसएमएसएसबी कार्यालय गए थे और उन्होंने जो आपके बोर्ड अध्यक्ष है हरि प्रसाद शर्मा उनसे पूछा था कि जो ग्राम सेवक भर्ती का सिलेबस है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो हरि प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि जो सिलेबस की वर्गीकरण है वो चल रहा है, आपका जो सिलेबस है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, इसके साथ ही जो आंसर की है वो भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। सिलेबस का जो वर्गीकरण चल रहा है कि जो प्री एग्जाम में सिलेबस आया था क्या वही सिलेबस जो मेन एग्जाम के लिए रहेगा, या कौन से जो सब्जेक्ट है उनको उठाना है या एड करना है, सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, उस पर आपका जो वर्गीकरण चल रहा है। वर्गीकरण कंप्लीट होने के बाद में आपका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा, इसके साथ ही जो आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो हम आपको बताएं तो आपका जो सिलेबस और आंसर की है वो 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जारी होने की संभावना बताई जा रही है आपकी बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा जी के द्वारा। अब हम बात करें आपकी जो मेन्स एग्जाम है वो कब तक आयोजित कराई जाने वाली है। तो आपका जो सिलेबस है वो 10 से 20 जनवरी के बीच में जारी होता है, तो वो फरवरी में तो आपकी जो मेन एग्जाम है वो आयोजित नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक महीने का ही समय रहेगा, तो इससे आप मेन एग्जाम रहेगी उसकी तैयारी जो तैयारी है वो नहीं कर पाओगे। अब हम बात करें जो आपकी मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में जो आपकी मेन एग्जाम है वो आयोजित कराने की संभावना बताई जा रही है, इससे आप अच्छी से जो अपनी मेन एग्जाम की तैयारी भी कर पाओगे और आपको 2 से 3 महीने का समय है वो भी मिल जाएगा। तो आपकी जो मेन्स एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में आयोजित होने की संभावना बताई जा रही है। आपकी जो आंसर की और सिलेबस है वो आपका 10 से 20 जनवरी के बीच में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट rkala.in पर मिल जाएगी। और रीड लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती एग्जाम डेट, इसके साथ ही जो आज तक की सरकारी नौकरी से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हमारी वेबसाइट rkala.in पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।